नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आप सभी का एसएम न्यूज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन तावीज़ों, काले धागों और उन पत्थर की अंगूठियों के बारे में जो अधिकतर लोग पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग अपने गले और बाजुओं में तावीज़ पहनते हैं, कुछ लड़के लड़कियाँ अपने पैरों में काला धागा बांधती हैं और यहाँ तक कि लोग अपनी अंगुलियों को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी बहुत सी पत्थर की अंगूठियाँ पहनते हैं, जैसे कि यही अंगूठियाँ उनकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। अगर ऐसा ही होता, काले धागों, तावीज़ों और पत्थर की अंगूठियों से ही नसीब बदलता तो लोग अपना कारोबार और रोज़गार छोड़ के यही पहनकर घूमा करते। कुछ आडंबरवादी लोग अपनी दुकानों को चलाने के लिए तावीज़, काले धागे और पत्थर की अंगूठियाँ बेचा करते हैं। इन्हीं आडंबरों में फंसकर कुछ माता पिता अपने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए काले धागे, तावीज़ और पत्थर की अंगूठियाँ पहनाते हैं। आप ही बताइए, शिक्षा की देवी सरस्वती को माना जाता है। एक बच्चे को सरस्वती जी की पूजा कराई जाए तथा दूसरे बच्चे को विद्यालय भेजा जाए तो बताइए कौन सा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, सरस्वती जी की पूजा करने वाला बच्चा या फिर विद्यालय जाने वाला बच्चा। ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है। एक बच्चे को हनुमान जी की आराधना करवाई जाए तथा दूसरे बच्चे को फल मेवे आदि खिलाए जाएँ तो कौन सा बच्चा शक्तिशाली होगा, हनुमान जी की पूजा करने वाला बच्चा या फिर फल मेवे आदि खाने वाला बच्चा। ये सब चीज़ें हमें मानसिक तौर पे गुलाम बनाती हैं। अगर ऐसा ही होता, इन अंगूठियों, काले धागों और तावीज़ों से ही हमारी सारी मनोकामना पूरी होती तो आज वो लोग जेल में ना होते जो इन सब की बातें करते हैं, जैसे कि राम रहीम और आशाराम। ऐसे बहुत सारे बाबा आज जेल में हैं जो इन सब चीज़ों की बातें करा करते थे। इन्हीं आडंबरों, तावीज़, काले धागे और पत्थर की अंगूठियों से अगर मुकद्दर बदलता तो आज वो लोग जेल में ना होते, जेल से बाहर होते। इसीलिए साइंस की भाषा को समझें और साइंस के पथ पर चलें, क्योंकि अपना उद्धार खुद से हो सकता है, ना कि तावीज़ों, काले धागों और पत्थर की अंगूठियों से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।